हेलो गुड हेलो, मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। वेट करो ना, मैं पेज सेंड कर रही हूँ उसको। ठीक, ओके। चलिए क्लास स्टार्ट करें। गुड यस मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कल आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखे, वॉइस ऑफ द रेन का। मैम, पहले ही लिख लिए थे। यस मैम। कल दोबारा भेज दी थी क्या? यस मैम। चैप्टर में समझाई नहीं हूं ना एक बार भी। यस मैम, एक्सप्लेन नहीं किए थे। हाँ, मैं समझा रही हूँ आज। द वॉइस ऑफ द रेन, ये आपका पोयम 3 है। इसके जो पोएट हैं, उनका नाम है वॉल्ट विटमन। ओके, क्या है पोएट का नाम बोलो? वॉल्ट विटमैन। ठीक है, देखेंगे इसका स्टेंजा 1 है। एंड हु आर्ट दो, दो का मतलब होता है तुम, यू, यू को बोला जाता है दो। एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन एंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। आई एम द पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। Eternal I rise in palpable out of the land and a bottomless sea। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं इसमें, और तुम कौन हो? मैंने कोमलता पूर्वक गिरती हुई बौछार से पूछा। मतलब जो बारिश हो रही है वहां पे उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, जिसने कहते हुए आश्चर्य होता है मुझे एक उत्तर दिया, जिसे यहाँ अनुवाद किया जा रहा है, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस यस मैम। यस यस मैम। मैं पृथ्वी मैम। की कविता हूँ, वर्षा की आवाज ने कहा। अनंत काल से निरंतर मैं जमीन तथा अथाह समुद्र से जन्म लेती हूँ, ऊपर उठकर आकाश की ओर जाती हूँ, जहाँ से अस्पष्ट रूप धारण कर बिल्कुल परिवर्तित होकर किंतु फिर भी तत्व रूप से वैसे ही बनी रहती है। अब इसका मैं पूरा समझा रही हूँ आपको। इसमें बोला जा रहा है कि कवि वर्षा के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का वर्णन करता है। यहाँ पे जो पोएट है वो जो बारिश हो रही है उसके साथ मतलब एक बात करता है। कवि कोमलता पूर्वक गिरती हुई वर्षा की बौछार से प्रश्न करता है कि वह कौन है। वहां से उसे पूछता है कि वह कौन है। कवि के इस प्रश्न का वर्षा एक अजीब स्वर में उत्तर देती है। कवि आश्चर्यचकित होता है, मतलब जो वो सरप्राइज हो जाते हैं जो पोएट है वो, जब वर्षा उससे एक अजीब भाषा में बात करने लगती है जिसे केवल कवि ही समझ सकता है। मतलब दोनों के बीच की एक बात है। मतलब आप अब समझ रहे होगे पोयम में ऐसा लिखा है, मतलब एक वो उसने ऐसी कविता उसने बनाई है। अब यहाँ तक समझ आया सबको? यस ओके। कवि कवि इस भाषा को पाठकों की सुविधा हेतु अनुवाद कर देता है, मतलब हम लोगों की, हम लोग जो पाठक मतलब जो रीडर्स हैं उनके लिए उस चीज को वो इजी कर देता है। अपने उत्तर में वर्षा कहती है कि वह पृथ्वी का काव्य है। इससे आगे वह कहती है कि वह अनंत काल से सदैव ही, अनंत काल मतलब बहुत सालों से,
सदैव ही जीवन तथा अथाह गहरे समुद्र से जन्म लेती है, मतलब जमीन से समुद्र से वो उठती है। जब यह ऊपर उठती है तब न तो कोई इसे छू सकता है और न ही महसूस कर सकता है। उठकर यह आकाश में चली जाती है, मतलब धीरे धीरे वो अपना मूवमेंट करती है, जहां वह एक अस्पष्ट रूप धारण कर लेती है। अस्पष्ट मतलब जो जिसका हम मतलब उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो उस रूप से बिल्कुल भिन्न होता है जिस रूप में वह उठती है, लेकिन अपनी मूल प्रकृति एवं रचना में यह वैसे ही बनी रहती है। वह केवल रूप की दृष्टि से ही परिवर्तित होती है, है ना। मतलब उसको बोल रहा है कि जैसे उसकी रचना है वो वैसे ही है, वो सिर्फ आपके देखने का जो चेंजेस होते हैं उसका बस वहां पे चेंज है। इसमें देखो तो कॉर्नर में है क्यों है, ले जाओ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। इतने सारे लोग प्रेजेंट हैं, ठीक से रिस्पांस करिए। 11 लोग का प्रेजेंट मेरे को दिखा रहे हैं, बाकी सब भी रिस्पांस करेंगे। ओके चलिए आगे का आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई डिसेंड टू लेव द डॉट्स एटॉमिक जस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। ये लास्ट आपका लाइन है। अब इसमें समझाया जा रहा है कि वर्षा जो है अपने क्रियाकलाप अपने कामों से, है ना, अपने कामों के बारे में बात कर रही है। वह क्या करती है और किस प्रकार पृथ्वी पर भी प्रत्येक वस्तु को जीवन प्रदान करती है, मतलब उसके कारण कैसे कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा टेम्परेचर है, वो सारा वो बताती है। यही कवि के साथ उसकी बातचीत का सब्जेक्ट है, उसका विषय है। वर्षा कहती है कि वह पृथ्वी पर आती है तथा सूखा ग्रस्त स्थान मतलब सूखे जगहों पर ड्रॉट्स आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। वो बोल रही है सूखा ग्रस्त स्थान मिट्टी के सूक्ष्म कण मतलब एटॉमिक एटम्स के छोटे छोटे कण तथा रेत की परत डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब रेत की परतों को वो नहलाती है, बोल रही है, है ना। उन अब बोल रहा है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। वह बोल रही है वह उन सबको स्नान कराती है जो उसके बिना केवल बीज ही बने रहते हैं। देखो जैसे प्लांट के लिए हम बीज लगाते हैं, ठीक है, तो जब उसमें पानी पड़ता है तभी वो ग्रो करते हैं, यस और नो? यस मैम। हाँ yes. जैसे पानी पीते हो तब आपकी प्याज बुझती है, पानी पिए बिना आप लोग कैसे हो जाते हैं, वैसे ही सबको पानी की बहुत जरूरत है। तो ये उसी वर्षा की आवाज है। बिना वर्षा के वे भी अंकुरित होकर नए पौधे नहीं बन सकते थे, वे निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये देखो बोल रहा है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वी आर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, मतलब कभी पैदा ही नहीं अंकुरित होकर, मतलब वो पैदा ही नहीं हुए हैं ऐसे लगते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड। यहाँ पर ये बोल रही है बिना वर्षा के वे कभी भी अंकुरित होकर नए पौधे नहीं बन सकते थे, वे निष्क्रिय एवं अजन्मे ही रहे होते। निष्क्रिय मतलब जो कोई भी काम का नहीं होता है। वर्षा कहती है कि वह हमेशा ही पृथ्वी को जीवन देती रहती है जिस पृथ्वी से वह स्वयं जीवन पाती है। वहां पर वो वर्षा देती है उसी से ही वो खुद उसको जीवन मिला हुआ है। वह पृथ्वी को शुद्ध एवं सुंदर बनाए रखती है, है ना। वर्षा से भाई देखो जब बारिश होती है तब सब तरफ हरा भरा हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है बेटे सबको? यस यस मैम। ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसका चैप्टर क्वेश्चन आंसर लिख लियो बोल रहे हो ना। हेलो यस मैम। तो क्वेश्चन आंसर सब लोग कंप्लीट कर लिए है ना। हेलो यस मैम। क्वेश्चन आंसर सब लोग लिख लिए हो बोल रही हूँ मैं। यस यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद का जो चैप्टर है चाइल्डहुड इसका भी मैं भेजी थी क्या किसी दिन आपको? इसके बाद वाला चैप्टर है चाइल्डहुड, नहीं ना? नो मैम। ओके
फिर मंडे से हम लोग पोयम 4 पढ़ाऊंगी मैं चाइल्डहुड आपको, ठीक है? क्योंकि आपका स्नैपशॉट 4 चैप्टर हो गया है, स्नैपशॉट में चौथा चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़े थे, अल्बर्ट आइंस्टीन वाला, क्वेश्चन आंसर भी इसका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें का पोयम 4 पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं हॉर्नबिल का प्रोस सेक्शन आपको बताऊंगी, ठीक है? प्रोस सेक्शन वाले में हम लोग सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है, वो है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। दूसरा भी पढ़ लिए हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई शिप वाला जो बताई थी। थर्ड फोर्थ इसका भी पढ़ा दूंगी, ठीक है? मंडे को, मंडे को देखते हैं, या तो पोयम नहीं बताऊंगी, इसी का थर्ड चैप्टर बताऊंगी, डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूज, हॉर्नबिल का प्रोस सेक्शन पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। क्लियर है सबको? यस ओके, क्लास लीव कर रही हूँ, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके ओके।